डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पूनम एंड यू आर वेलकम इन पूनम किड्स स्टडी पॉइंट। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन इट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर पार्ट। यू नीड नॉट टू डू दिस पार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स प्रोनंसिएशन पोर्शन, एक्सरसाइज D1। इन एक्सरसाइज D1 रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। D1 एक्सरसाइज में आपको ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को रीड करना है। इनमें क्या है, द साउंड ऑफ द CH लेटर्स इन दीज वर्ड इज K। यहाँ पर जो ये CH वर्ड्स हैं, इनकी आवाज K साउंड दे रही है। आपने पढ़ा होगा CH में कॉमनली च की आवाज आती है, लेकिन इन वर्ड्स में ये K की साउंड दे रहे हैं। ओके, सो रीड विद मी। क्रिसमस, केमिस्ट, स्कीम, कैमिलियन, कोरस, स्कूल, एक, ओनाक। ओके, तो इन वर्ड्स में आपने देखा CH में च की साउंड नहीं आके क की साउंड आ रही है, के की साउंड आ रही है। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज D2। D1 इज ओनली फॉर प्रोनंसिएशन, यू नीड नॉट टू डू। D2 एक्सरसाइज में राइट द वर्ड्स गिवन बिलो इन द करेक्ट कॉलम्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स। अब एक्सरसाइज D2 में बेटा यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट आपको दिया है जिसमें CH में K साउंड आ रही है, और सेकेंड दिया है जिसमें CH में च की साउंड आ रही है। ओके, और ये जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं, आपको इनको जिस भी टाइप की इनमें साउंड आ रही है उस वाले बॉक्स में लिखना है। ओके, रीड विद मी स्टूडेंट्स। फर्स्ट वर्ड इज स्टमक। कैसी साउंड आई, के साउंड, तो इसको आप के साउंड वाले कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड वर्ड इज चेयर। किसकी साउंड आई, च, तो उसको च साउंड वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज चेक, तो इसको भी आप CH साउंड वाले वर्ड में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मैकेनिक, तो यहाँ पर क की साउंड आ रही है, इसको आप के साउंड वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इको, अगेन के साउंड। मच, च की आवाज आई, तो इसको आप इस साइड लिखेंगे। रिच, अगेन CH साउंड। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साउंड। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्किड। ऑर्किड में क की साउंड आ रही है, तो इसको आप के साउंड वाले कॉलम में लिखेंगे। एंड लास्ट वर्ड इज चकल, यहाँ पर CH साउंड आ रही है, तो इसको आप CH साउंड वाले कॉलम में राइट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज D2 हैज बीन ओवर। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन, लाफिंग सॉन्ग। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।